इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी छोड़ने के बाद गौतम गंभीर ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन गौतम गंभीर ने दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी छोड़ी थी और श्रेयस अय्यर को नया कप्तान नियुक्त किया था। उसके बाद गौतम गंभीर ने कहा कि मैं टीम के खराब प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं कप्तानी अब नहीं करूंगा। यही नहीं, गौतम गंभीर अब दिल्ली की ओर से खेलते हुए एक पैसा भी नहीं लेंगे। गंभीर का ये अपना फैसला है और गंभीर ने कहा कि इस फैसले के पीछे कोई भी दबाव नहीं है। गंभीर ने कहा कि मेरे रहते टीम को अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी, लेकिन मुझसे कप्तानी नहीं हो पा रही है। मैं एक बार में एक ही प्रेशर ले सकता हूं। ऐसे में गौतम गंभीर ने युवा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को कप्तान बनने का मौका दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि श्रेयस के कप्तानी पद संभालने के बाद क्या दिल्ली डेयरडेविल्स के परफॉर्मेंस में निखार आता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।